फर्स्ट एडवांस टीचर, कम से कम मुझे उससे मिलने दो, कम से कम झूठ तो ना बोलो, कम से कम मेरी बात तो सुन लो। गाइज, इस प्रकार की सेंटेंसेस को हम हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत यूज करते हैं। इस प्रकार की सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इसके लिए कौन से स्ट्रक्चर की यूज करेंगे, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आपने नोटिस किए होंगे इन सभी सेंटेंसेस में एक चीज कॉमन है, वो है कम से कम। कम से कम इसके लिए हम इंग्लिश में फ्रेजेस करते हैं एटलीस्ट, एटलीस्ट। चलिए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में पहले आपको यूज कर देने एटलीस्ट, इसके बाद कंप्लीट सेंटेंस जो आप बोलना चाहते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल के मदद से इसे और भी बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। कम से कम मुझे उससे मिलने दो, एटलीस्ट लेट मी मीट हिम, एटलीस्ट लेट मी मीट हिम। कम से कम झूठ तो ना बोलो, एटलीस्ट डोंट लाई, एटलीस्ट डोंट लाई। कम से कम मेरी बात तो सुन लो, एटलीस्ट लिसन टू मी, एटलीस्ट लिसन टू मी। कम से कम उसने अपनी गलती तो मान ली, एटलीस्ट ही एक्सेप्टेड हिज मिस्टेक, एटलीस्ट ही एक्सेप्टेड हिज मिस्टेक। कम से कम उसने कोशिश तो की, एटलीस्ट ही ट्राइड, एटलीस्ट ही ट्राइड। सेकेंड एडवांस स्ट्रक्चर, तुम खाने लगे, वो चिल्लाने लगा, वे हंसने लगे। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहने के लिए आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करनी है। स्ट्रक्चर में पहले आपको यूज कर देनी है सब्जेक्ट, इसके बाद बिगन टू, बिगन टू के बाद आपको यूज कर देनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में अदर वर्ड्स। चलिए कुछ एग्जाम्पल के मदद से इसे और भी बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। वे हंसने लगे, दे बिगन टू लाफ, दे बिगन टू लाफ। वो चिल्लाने लगा, he began to shout, he began to shout। तुम खाने लगे, you began to laugh, you began to laugh।